गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? चलो सब बढ़िया ही चल रहा है। बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, बहुत दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी ये GPS और GDPS है, ये तो अपना इंस्ट्रूमेंट GDPS, ये तो सबको पता ही होगा। सर्वे का ये इनिशियल स्टेज है, जब कोई प्रोजेक्ट का सर्वे किया जाता है तो सबसे पहले हमें लोकेशन चाहिए रहता है। तो लोकेशन के लिए हमें GPS, लेकिन GPS की एक्यूरेसी बहुत पुअर रहती है। ये GDPS है अपना, तो जो बताओ किसी को GDPS का अगर फुल फॉर्म पता होगा तो कमेंट में उसका फुल फॉर्म दे दो, क्या है GDPS का। ऐसे तो मैं बताने वाला हूँ, फिर भी आप कमेंट में दे दो GDPS का फुल फॉर्म। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसका ये तो एक मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक है, ये तो सब लोगों को, जिसने जिसने इंजीनियरिंग किया है उन सब लोगों को पता ही होगा मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक क्या रहती है। और GPS का फुल फॉर्म भी सब लोगों को पता ही होगा, GPS का फुल फॉर्म है अपना ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ये अपना US डिफेंस में यूज़ किए, US डिफेंस ने इसको बनाया था। वैसे तो अपने टोटल सैटेलाइट कितने हैं? 32। और 32 में से वर्किंग कितने रहते हैं, किसी को पता है क्या? 32 में से अपने वर्किंग रहते हैं 24 सैटेलाइट, तो बचे कितने? 8। 8 हम बोल सकते हैं स्टैंड बाय पे रखते हैं। अभी हमने जो इसके पहले वाला जो सेट किया था, जो ट्यूबवेल था अपना, वहाँ पे वो अपना बेस वाला पॉइंट था, तो उसे GDPS में दो जगह पे सेट किया जाता है। और इसकी एक्यूरेसी बहुत रहती है, मतलब 99% एक्यूरेसी रहती है इसकी। तो वो अपना बेस था, बेस को हम जनरली 8 से 10 आवर तक एक ही पोजीशन पे लॉक करते हैं, उसको बबल सेंटर करके उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, और उसका पावर ना जाए इसलिए हमने एक 4 व्हीलर की बैटरी बैकअप के लिए रखा था, क्योंकि उसको लॉन्ग लॉन्ग टाइम हावर के लिए रखना है। जितना लॉन्ग टाइम रखेंगे हम, जितना घंटे हम रखेंगे उतनी एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो अभी हमने देखो, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा बेस है, जो देख रहे हैं अभी ट्यूबवेल के पास, ये हमारा बेस है। और अभी जो वो हमारा पॉइंट फर्स्ट हो गया है, तो अभी हम दूसरी जगह पे एक सेट कर रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम रोवर। वैसे तो GDPS के दो टेक्निक रहती है, एक स्टैटिक सर्वे और एक काइनेमेटिक। और स्टैटिक के लिए तो हम सिंगल मशीन सेट करके कर सकते हैं, और काइनेमेटिक में हमारे दो पॉइंट रहते हैं, एक RTK और PPK। तो RTK का फुल फॉर्म है अपना रियल टाइम काइनेमेटिक, और PPK का पोस्ट प्रोसेस काइनेमेटिक। अभी देखिए ये हाइट मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये टोटल हाइट मेजर करके ये इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे हाइट वाला एक लगाया है, यहाँ पे एक पोजीशन रहता है, ये अपना बबल है। पहले तो हम ट्राईपॉड स्टैंड सेट कर लेते हैं, ट्राईपॉड स्टैंड सेट करने के बाद यहाँ पे एक बबल है, तो उसको बबल में हम सेंटर करके इस मशीन को सेट करते हैं। फिर अपना इसको जो हमारा सेंटर है, सेंटर से अपने इंस्ट्रूमेंट की हाइट, और ऊपर हमने एक रोवर मशीन सेट किया है या बेस मशीन सेट किया है, तो उसकी हाइट कितनी रहती है वो हमें मेजर करके कंट्रोलर में एंट्री करनी पड़ती है उसकी। तो अपना रही है अभी GPS 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट छोड़ा हुआ है हमने, तो यहाँ पे इसलिए मार्किंग नोट करके रखा है हमने GPS 2। ये जगह वैल्यू रहेगा सर, कोऑर्डिनेट रहा दिल का। सर्वेयर आएगा तो उसके लिए आसानी रहेगा पॉइंट ढूंढने के लिए। इसका लॉगिंग इंटरवल रहता है 1 सेकेंड में 60 टाइम रीडिंग लेता ही है 1 मिनट में। अभी अपना काइनेमेटिक ही है, बेस एक जगह पे फिक्स कर दिया और ये दूसरा जगह पे हमने रोवर लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा काइनेमेटिक सर्वे हुआ। बेस तो अपना नोन पॉइंट रहता है, जिसमें हमें ईस्ट और नॉर्थ पता रहेगा, और रोवर हमारा अननोन पॉइंट रहेगा।
तो इसका रेंज हमें 5 मीटर टू 15 मीटर तक रहता है। ये देखिए यहाँ पे हम अभी पॉइंट सेकंड जो छोड़ा हुआ है, चलो ये रोड पे लिखा है, ये तो धूल मिट्टी से जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें फर्स्ट एक नाम है बेंच मार्क मिला है तो उस पे भी हम लोकेट करके रखें। और जी। हमने नीचे एक नेल नेल को इंसर्ट किया है बीटी रोड पे। नेल तो दिखेगा लेकिन वो लिखा हुआ है ये मिट सकता है, तो नेल दिखेगा। और वहाँ पे पहले एंट्री हम नीचे करने करनी साइड में पड़ती इसका है, लोकेशन मार्क कर रहे हैं, डिस्टेंस बांट लें अंदर। तो सर्वे करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका बेंच मार्क नोट करना हाँ या वहाँ पे कुछ मार्क करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क रहता है सर्वे में। और स्टैटिक तो हम मतलब बेस हम जितनी टाइम जितने हवर के लिए ज़्यादा रखेंगे उतना ही हमें एक्यूरेसी मिलेगी। जनरली तो 72 हवर्स रखते हैं, 72 हवर्स रखना मतलब 99% एक्यूरेसी रहती है उसमें। और एक लॉन्ग टाइम पीरियड मेथड है वो, तो उसमें तो हमारा कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। अगर 72 हवर ही रखना है तो उसको सर्वे करने का कोई इंजीनियरिंग मतलब ही नहीं फिर हमारा, तो इसलिए फिर उसको काइनेमेटिक के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ये हमारा थर्ड पॉइंट छोड़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे, तो ये देखो सेंटर में बबल कर लिया। ये 310 हाइट है इस रॉड की टोटल। और यहाँ पे मेजरमेंट टेप है 1 मीटर, देखो अभी दिखेगा आपको 1 मीटर 22 था शायद। ये देखो बबल सेंटर में कर दिया। और यहाँ पे ये ब्लैक वाला बबल तो स्क्रू है, सिंबल ब्लैक दिया था वाले हमने। स्क्रू से हम सेंटरिंग पॉइंट देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम नेल इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा MNB शायद, MNB पे हमने जो साइड पे पिलर है रिटेनिंग वॉल का उसके ऊपर इंसर्ट कर दिया है अभी, तो ये परमानेंट ही रहेगा। और जनरली बेंचमार्क ऐसे ढूंढो कि वो डैमेज ना हो सके, अगर डैमेज होंगे तो फिर हमें फिर इसको GPS को लगाना पड़ेगा। और अभी हमने यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट छोड़ा होगा, फोर्थ पॉइंट भी हम छोड़ेंगे। वैसे हम कंटिन्यू कर करके अभी अगले अगले जितना हमारा सर्वे होता रहता है, जितने हमारी सर्टन किलोमीटर की एक साइट है उसके हिसाब से हम अपना पॉइंट छोड़ते छोड़ते चले जाते हैं। और इसका एक बेनिफिट है, ये सर्वे हम नाइट में भी कर सकते हैं। तो TS का कैसा रहता है कि हम दिन में ही कर सकते हैं, लेकिन जो अपना जो GPS और GTPS है उसको हम नाइट में भी कर सकते हैं। अभी देखो नाइट भी हो रही है, तो बेस तो कम से कम हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, अभी 7 साढ़े 7 हो चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं, तो बेस भी हमारा 10 एक घंटे एक जगह पे सेट हुआ है जो फर्स्ट पॉइंट पे किया हुआ था। चलो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।